स्टोरी। नमस्कार, न्यूज प्लस 21 में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं द अनटोल्ड स्टोरी और मैं हूं आपके साथ अविनाश दुबे। वनों का उपवन कहे जाने वाले प्रकृति की गोद में बसे छत्तीसगढ़ में एक रात से वनों से जानवरों की जगह मासूम लड़कियों की चित्कारें गूंजना शुरू हो गई। आखिर क्या हो रहा था यहाँ? कौन थी ये लड़कियां? घने भरे इस उपवन से आखिर क्यों ये आवाज निकलने को मजबूर हो रहा था? प्रकृति भी इस आवाज को सुनने से शर्मा रही थी। आखिर कैसी चीखे थी ये, जिससे पेड़ पौधे भी शर्मिंदा हो रहे थे। आइए आपको आज के इस खास एपिसोड में बताते हैं रोंगटे खड़े कर देने वाली यह कहानी। छत्तीसगढ़ के उत्तरी बस्तर के जिले कांकेर जिला मुख्यालय से लगभग 80 किलोमीटर दूर झलियामारी आश्रम स्कूल के छात्रावास की दीवारें उन मासूम लड़कियों के चित्कारों से गूंज रही थी, जिनके साथ पिछले कई वर्षों से हर दिन और रात बदसूरत बलात्कार होते आ रहा था। और लड़की है तो कल है का नारा देने वाली भाजपा की हिंदुत्व संस्कृति संपन्न उस समय की भाजपा सरकार और उसके कर्णधार सोते रहे। जरा कल्पना कीजिए उस आदिवासी कन्या छात्रावास की, जिसकी दीवारें जीर्ण शीर्ण है, छत कबूले की बनी हुई है, जिसके दरवाजों में कुंडी नहीं है, बारिश में चारों तरफ कीचड़ का भरमार हो जाता है, बोरों को तानकर एक अस्थाई स्नानागार बनाया गया है, शौचालय का नामो निशान नहीं है, दूर दूर तक सुरक्षा की कोई व्यवस्था नहीं है। ऐसे में भयानक परिवेश में उन बच्चियों के साथ हो रहे अनाचार और अत्याचार के विषय में विचार करते ही रूह कांप जाती है। 6 से 14 वर्ष की बच्चियां न जाने कितने समय से आश्रम के वॉचमैन, शिक्षक और अन्य लोगों के अनाचार झेल रही थी। जब लड़कियों ने अपने साथ हो रहे इस अमानवीय घटना के विषय में नजदीकी अधिकारियों को बताया तो उन्होंने अपने वरिष्ठ अधिकारियों को बताने की बजाय गांव के उप सरपंच सुकालू राम नेताम तथा लच्छू राम सलाम को जानकारी दी, जिसके बाद खाप पंचायत की तर्ज पर गांव में बैठक आयोजित की गई और अभियुक्तों को भविष्य में ऐसा न करने की चेतावनी देकर 5,000 रुपये जुर्माना भरने की हिदायत दी गई। जरा सोचिए, इतने घिनौने जुर्म की सजा सिर्फ 5,000, सिर्फ 5,000। इस पूरे कुकर्म में बेशर्मिंदगी की सारी हदें पार करने वाली हॉस्टल अधीक्षिका को जुर्म के रूप में सिर्फ 3,000 भरने को कहा गया और वह बच निकली। एक प्रमुख जिले से मात्र 40 किलोमीटर दूर दिन के उजाले में भी लड़कियों की इज्जत की बोली लगाई जा रही थी। सरकार तथा प्रशासन गहरी नींद में डूबे हुए थे। किसी को भनक तक नहीं लगी। मामला रफा दफा कर दिया गया, यह कहते हुए कि गांव की इज्जत का सवाल है, गांव की बात गांव में ही रहनी चाहिए। मासूम लड़कियों की पीड़ा और इज्जत गांव की इज्जत से बड़ी बन गई। यह घटना भी प्रकाश में नहीं आती, लेकिन अत्याचार का सिलसिला रुकने का नाम ही नहीं ले रहा था। यह दरिंदे इसे अपने जीवन का एक हिस्सा बना लिए थे, लेकिन लड़कियां अब भी हारी नहीं थी। वह लगातार उच्च अधिकारियों से मिलने की कोशिश कर रही थी, किंतु कुछ भी इन लड़कियों के पक्ष में काम नहीं हो रहा था। अब जनवरी माह का शीतकालीन सत्र और एक बार फिर मामले ने तुल पकड़ लिया। तांडव की शुरुआत होती है और विपक्ष से नेता प्रतिपक्ष रविंद्र चौबे ने इसको लेकर विपक्ष पर हमला करना शुरू किया। एक के बाद एक लगातार विपक्ष ने कुछ दिनों तक सवाल जारी रखा। इन लड़कियों के साथ पिछले 3 माह से यह सब कुछ चल रहा था, पर किसी भी अधिकारी ने अब तक चू भी नहीं की थी। यह हमारे लिए काले धब्बे के समान है। ऐसे सवाल का जाकिरा जारी रहा। अंत में सरकार ने मजबूर होकर जांच कमेटी बनाई। पुलिस द्वारा की गई जांच में पता चला कि पीड़ित लड़कियां बबीता मरकाम और सागर कतलाम को लगातार सूचित कर रही थी।
लेकिन वे पंचायती फैसले को ज्यादा महत्वपूर्ण मानते थे। इस मामले में भारतीय दंड संविधान की धारा 376(2)(b)(34) के अतिरिक्त इंडियन पैनल कोड की धारा 450, 119, 120 बी, 207, 506 बी के तहत भी मुकदमा कायम किया गया और फिर जाकर इन सब पे नकेल कसी गई। इस बर्बर बलात्कार प्रकरण में पुलिस ने पहले तो 3 गिरफ्तारियां की और उसके बाद दबाव में 3 और लोगों को भी गिरफ्तार किया। बाद में जब पूरी तरह जांच आगे बढ़ी तो 2 और लोगों को पुलिस द्वारा गिरफ्तार किया गया। इस प्रकार कुल मिलाकर 8 गिरफ्तारियां हुई, जिनमें हॉस्टल का चौकीदार दीनानाथ नागेश, शिक्षा कर्मी मनुराम गोटी, आश्रम अधीक्षिका भविता मरकाम, शिक्षा कर्मी सागर कतलाम, उप सरपंच सुकालू राम नेताम, ग्रामीण बच्चू राम सलाम, ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर सुगंध सिंह नमरजी तथा सहायक ब्लॉक शिक्षा अधिकारी जितेंद्र कुमार नायक शामिल थे। चौंकाने वाला तथ्य यह है कि गांव की पंचायत, जिसमें इस मामले को दबाने की कोशिश की और सिर्फ 5,000 रुपए जुर्माना लगाया, उसके खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं की गई। 6-6 साल की लड़कियों से सालों तक बलात्कार होता रहा और उस दौर की छत्तीसगढ़ में भाजपा सरकार सोती रही। बड़ी दुख की बात है कि छात्रों से लेकर स्कूल के विकास से सारे प्रस्ताव केवल फाइलों में कैद हैं। बच्चियों की इज्जत और आबरू की सुरक्षा फिर इन्हीं फाइलों में सुरक्षित है। यदि पहले इन दरिंदों के खिलाफ कार्यवाही कर ली गई होती तो शायद आश्रम की इन 43 लड़कियों को मानसिक पीड़ा से नहीं गुजरना पड़ता, जिनकी 12 सहेलियों के साथ घृणित अपराध किया गया। इस मामले में अनुसूचित जनजाति विकास कांकेर के असिस्टेंट कमिश्नर इंचार्ज एसके वाहने और ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर सुगंध सिंह नमरजी की लापरवाही भी उभर कर सामने आई। लेकिन प्रश्न आज भी वही है कि आदिवासियों, गरीबों, वंचितों के प्रति जिम्मेदार अधिकारियों का रवैया घटिया और अमानवीय क्यों रहता है। आज के इस खास एपिसोड में बस इतना ही। आपके लिए खबर लिखी थी मैंने खुद। ऐसे ही अनटोल्ड और रोचक कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। साथ ही यदि आपको ये वीडियो बहुत ज़्यादा अच्छा लगा हो और आप अपने दोस्तों के साथ शेयर करना चाहते हैं तो ये करना कतई ना भूले। शुक्रिया। The Untold Story.